चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज और महेंद्र सिंह धोनी के शिष्य ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लेने को तैयार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेपाल के खिलाफ मंगलवार को भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे हांगझोउ के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में उतरेगी। और इस मुकाबले की पूर्व संध्या को हुई प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी से हो रही तुलना पर बड़ी बात बोल दी, जो कि धोनी के प्रशंसकों को नागवारा गुजरी। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी में हो रही धोनी से तुलना पर क्या कुछ कहा और एशियाई गेम्स के लिए कैसी है उनकी तैयारी। चीन के हांगझोउ में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम चीन में तिरंगा लहराने को तैयार। एशियन गेम्स का आगाज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेपाल के खिलाफ करेगी। भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे हांगझोउ के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में भारत और नेपाल आमने सामने होंगे। इस मैच के पूर्व संध्या को भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत में टीम इंडिया के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को याद किया। इसके अलावा उन्होंने अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र से गोल्ड मेडल जीतने का भरोसा भी जताया और धोनी से हो रही कप्तानी की तुलना पर बहुत बड़ी बात बोल दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, मुझे उनसे बहुत सी चीजें सीखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति की शैली अलग होती है। उनकी शैली अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है और मेरा व्यक्तित्व थोड़ा अलग है। मैं अपने जैसा बनने की कोशिश करूंगा और वास्तव में यह नहीं देखूंगा कि वे आमतौर पर क्या करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे कहा कि जाहिर तौर पर आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर अपनाना होगा जो वे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। कैसे वो परिस्थितियों और खास प्लेयर्स को मैच के दौरान कंट्रोल करते हैं, यह चीजें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। लेकिन मैं कप्तानी उस तरह से करना चाहूंगा जैसे मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि खिलाड़ी खुद को एक्सप्रेस करें। ऋतुराज गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा, सही बताऊं तो मुझे लगता है कि कप्तानी का रोल बहुत मुश्किल होता है। माही भाई हमेशा कहते हैं कि गेम के बारे में सोचो, वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता मत करो। बताते चलें कि ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोचिंग का जिम्मा संभाल रहे बीवीएस लक्ष्मण ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह काफी अलग सेटअप है, हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम चीन आकर क्रिकेट खेलेंगे। यह पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा मौका है और सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार। अगर हम एशियन गेम्स में भारतीय टीम के स्क्वाड पर नजर डालें तो ये एक युवा टीम है और यहाँ पर हमें युवा जोश देखने को मिलेगा। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह। तो ये भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस हिसाब से भारतीय महिला टीम ने एशियाई गेम्स में गोल्ड जीता था, क्या वो करिश्मा भारतीय पुरुष टीम दोहरा पाएगी या फिर उसमें वो विफल हो जाएंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।